साथियों नमस्कार, मैं हूं एडवोकेट शोक चौधरी। साथियों आज अपन बात करेंगे भाई मलेशिया से रिलेटेड। हालांकि मलेशिया कोई इतना कोई खास है नहीं, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट समय समय के अकॉर्डिंग क्या कुछ नए अपडेट देती रहती है, इससे रिलेटेड बात करूंगा। विजिट वीज़ा से, परमिट वीज़ा से, वहाँ की गवर्नमेंट ने क्या कुछ लॉकडाउन से रिलेटेड हम बात करेंगे। इससे पहले हम बात कर लेते हैं कोरोना से रिलेटेड। तो साथियों कोरोना मलेशिया में भी भाई बढ़ता जा रहा है। 5,500 प्लस वहाँ पे अभी तक केस पॉजिटिव पाए गए हैं कोरोना के संक्रमित, उसमें से 95 डेथ अभी तक हो चुकी हैं और शुक्र है 3,500 प्लस अभी तक रिकवर हो चुके हैं कोरोना से रिलेटेड। तो कोरोना का अपडेट मेरे हिसाब से रेड सिग्नल की ओर है, ग्रीन पे नहीं रहा। आगे हम बात करते हैं साथियों कि गवर्नमेंट ने देखिए लॉकडाउन आज की डेट में बढ़ा के 2 हफ्तों का और कर दिया गया है, यानी 12 मई तक लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है मलेशियन गवर्नमेंट की तरफ से। क्योंकि जैसे जैसे केस बढ़ रहे हैं तो भाई लॉकडाउन तो बढ़ाना गवर्नमेंट की मजबूरी है, अगर नहीं बढ़ाएगी तो केस 10 गुना ज़्यादा रफ्तार से बढ़ेंगे। तो लॉकडाउन 2 मई तक बढ़ा दिया गया, इसका मतलब आप समझ सकते हो जो जहाँ है वहीं पर उनको रहना पड़ेगा। आगे बात करते हैं साथियों कि अभी सूचना निकल के आ रही है कि भाई मलेशिया गवर्नमेंट तो शानी गवर्नमेंट है ना, दुनिया में सबसे अलग ही है मलेशिया गवर्नमेंट। गल्फ की कंट्रियों एक तो कहती है कि हम गल्फ कंट्रियों को फॉलो करते हैं, दूसरी तरफ फॉलो नहीं करते। गल्फ कंट्रियों में दुबई, सऊदी, आज कतर ने भी कुछ अपने बंदे जेलों से बाहर निकाल दिए, उनको आज़ाद कर दिया फ्री कि आप जाओ अपनी कंट्री। लेकिन मलेशिया ना, उनको जेल में रह के मारने का रहता उनको। पहले कल की परसों की अपडेट ये आ रही थी कि हम जेल भरो अभी शुरुआत करेंगे कि जो भी इलीगल है उनको पकड़ के अंदर डालेंगे। आज कुछ हो सकता है चेंजेस किया तो हम बोला हमने जेलों की साफ सफाई करी है, कोरोना पॉजिटिव की जांच की गई है, शुक्र है वहाँ पे जेल में कोई कोरोना पॉजिटिव नहीं पाया गया है। और आपको पता है साथियों मलेशिया में सबसे ज़्यादा इलीगल वर्कर हैं जो जेलों में बहुत ज़्यादा लोग अभी तक बैठे हैं, लेकिन मलेशियन गवर्नमेंट गल्फ को फॉलो नहीं करती, उनको एक बंदे को भी बाहर नहीं निकालती। अगर निकालती तो आज की डेट में उसको घोषणा कर देना चाहिए, क्योंकि कल से पाक महीना रमजान स्टार्ट हो रहा है जो मोमडन मुस्लिम समाज में या इस्लाम में सबसे बड़ा पाक महीना होता है। अगर वो थोड़ा बहुत अपना गुनाह कम करती तो कम से कम उनको आज आज़ादी की बोल देना चाहिए था कि भाई हम इतने इस कैटेगरी के बंदों को हम आज़ाद करेंगे, तो उसको भी थोड़ी तसल्ली हो जाती है, लेकिन नहीं करेगी। आगे हम बात करेंगे साथियों कि विजिट वीज़ा पर अगर आप मलेशिया में गए हुए हैं और आपका वीज़ा एक्सपायर हो गया है तो भाई आपके पास ऑप्शन है, गवर्नमेंट शानी है, मलेशियन गवर्नमेंट बहुत शानी है, वो ये नहीं बोले कि आपका वीज़ा एक्सटेंड कर देंगे, आपको हम फ्री कर देंगे ना। उन्होंने साफ साफ बोला है कि एक हॉट नंबर दिया है, उस नंबर पे कॉल करो, उस वीज़ा के लिए एक पास बनवाओ, अगर वो पास बनवाते हो तो उसके बाद आप उसी पास से आप अपनी इंडिया अपनी कंट्री जा सकते हो। कोई भी से इंडिया कोई भी कंट्री का हो बंदा वो अपनी कंट्री जा सकते हो। नियम बड़े हर्ड करेगी कि लोगों की ऐसी की तैसी करके रहेगी। आप हॉटलाइन नंबर दे रहा है उस पे पास बनवाओ ऑनलाइन, या फिर वहाँ पे जाके बनवाओ इमिग्रेशन डिपार्टमेंट में। ये भी तो हो सकता था ना, और भी कंट्रियाँ कर रही हैं कि भाई एक्सटेंड कर देंगे, क्या दिक्कत थी उसमें, लेकिन नहीं। वर्क परमिट के लिए भी उन्होंने घोषणा करी है आज की डेट में कि वर्क परमिट जिनके लोगों के एक्सपायर हो रहे हैं वो भी ऑनलाइन पास बनवाएं, अगर पास नहीं बनवाओगे तो आगे आपका वीजा रिन्यू होने में दिक्कत आ सकती है। लो जी ये आपकी मलेशियन गवर्नमेंट ने आज की अपडेट दी है। तो मेरा कहने का मतलब है मलेशियन गवर्नमेंट तो बेकार थी, वो प्रधान ताहिर माहिर कौन था वो तो चला गया। हमने ये सोचा था कि यार ये दूसरा बंदा आया प्रधानमंत्री ये तो ठीक होगा, लेकिन भाई नहीं, यहां पर भी ऐसे ही है, गुड़ गोबर है यहाँ पर भी। मलेशियन गवर्नमेंट से कोई आस आप कर नहीं सकते, मुझे भी नहीं लगता। इतने मैं सब कंट्रियों के मैं वीडियो बना रहा हूँ, लेकिन सबसे घटिया और बेहयाद जो कंट्री है मलेशिया के अपडेट निकल के आ रहे हैं, कोई भी अपडेट दूसरे देशों की कंट्रियों के पक्ष में नहीं जा रहे हैं। विजिट वीज़ा के लिए भी पास बनवाना अनिवार्य कर दिया, नंबर डाल दिए, इस नंबर पे कॉल करो, 24 घंटे ये नंबर चालू रहेगा। मैं नंबर आपके साथ शेयर कर दूंगा भाई, नंबर लगता है कि नहीं लगता, क्या रिस्पांस आएगा वो तो आप अपने हिसाब से ट्राई कर लें। बाकी कोई मज़ेदारी वाली बात गवर्नमेंट की तरफ से है नहीं भाई। तो बस मलेशिया से रिलेटेड ये कुछ 2-4 अपडेट थे, मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिए। नेक्स्ट अगर कोई अपडेट आती है, अगर आपके पास भी है तो भाई नंबर है मेरे, आप मुझे शेयर कीजिए, मैं आप लोग आपकी अपडेट लोगों तक पहुंचाऊंगा। बाकी आज तक की डेट में नहीं है, 23 अप्रैल तक की डेट में कोई ही अपडेट नहीं है। और साथ में जो मुस्लिम समाज के जो भाई हैं उनके लिए कल 24 तारीख से रमज़ान स्टार्ट हो रहे हैं, आपको तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो आपका रमज़ान। और डिस्टेंस बनाते हुए अपने घर पे ही रमज़ान मनाएं, बाहर न निकलें। मस्जिदों में नमाज की विदेशों में भी आपको पता है पाबंदी है कि आप सब अपनी नमाज वगैरह सब घर पे ही करना है, जो पार्टी रफ्तार जो करते हैं वो भी आपको घर में ही करना है। बस यही थी साथियों आज की अपडेट। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि हर रोज़ आपको विदेश से रिलेटेड सही जानकारी इस चैनल के माध्यम से आपको मिलती रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।